हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ पोहा यानी चिवड़ा की रेसिपी। तो देखिए, मेरा पोहा बिल्कुल खिला खिला बनता है, तो आज मैं खिला खिला पोहा बनने की आपको रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में ले लिया है पोहा, ये देखिए। अब थोड़ी सी ले लिया मैंने मूँगफली गिरी। सबसे पहले मैं इन गिरियों को अच्छे से भून लूँगी घी में थोड़े से, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने पोहे में क्या क्या सब्जियां डाली हैं। तो ये मैंने थोड़ी बारीक बारीक काट के टमाटर, ये मूँगफली गिरी घी में भुनी हुई, ये मैंने फ्राई करने के लिए राई, एक साबुत लाल मिर्च तोड़ के, और थोड़ा सा करी पत्ता। देखिए करी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। और ये मैंने बारीक बारीक काट के लंबी लंबी प्याज ली है, और ये मैंने काटी है शिमला मिर्च छोटे छोटे पीस में, और ये छोटे छोटे पीस काट लिए मैंने आलू के बिल्कुल पतले पतले। अब मैं पोहे को अच्छी तरह से धो लूँगी। देखिए पोहे को कुछ लोग क्या करते हैं कि हल्का सा सिर्फ गीला कर लेते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है, क्योंकि पोहा मार्केट से आता है, जैसे कि दालें होती हैं उन्हें हम धोते हैं तो उनमें गंदगी निकलती है, उसी तरीके से पोहे में भी गंदा पानी निकलता है। तो पोहे को देखिए, अब आप ही देख लीजिए कि कितना गंदा पानी है इसमें। तो इसे इस तरीके से वॉश करने के बाद छन्नी में निकाल दीजिए, और छन्नी में भी पानी डालकर इसे अच्छे से धो दीजिए, जैसे कि जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी। और इसे फिर किसी बर्तन पर आप रख दीजिए। तो जब तक आप अपनी सब्जियों को फ्राई करेंगे तब तक ये सूख जाएगा और पोहा एकदम खिला खिला हो जाएगा, वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी। तो ये देखिए मैंने हैवी थली की कढ़ाई ले ली है। अब इसमें मैं चढ़ा लूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से पक रहा है, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए पोहा बिल्कुल एकदम सूखा हो गया और खिला खिला हो गया है। अब हमारा सरसों का तेल भी पक गया है, तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने सबसे पहले करी पत्ता, राई और साबुत लाल मिर्च डाल दिया है। राई चटकने के बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज। प्याज को 2 मिनट चलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी आलू सबसे पहले, क्योंकि आलू मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि आलू टाइम लगता है पकने में, इसलिए आलू को सबसे पहले डालती हूँ। अगर इसमें पहले टमाटर डाल देंगे तो खट्टाई की वजह से हमारे आलू नहीं पकेंगे, इसीलिए प्याज के बाद सीधा आलू डालिए। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, जितना आप अपने पोहे में नमक आपको अच्छा लगता है। नमक से क्या होगा कि आलू हमारे जल्दी पक जाएंगे। तो नमक डालने के बाद 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है जिससे कि आलू हमारे पक जाएं, क्योंकि देखिए पोहा डालने के बाद इसमें इसे गैस को बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि पोहा हमारा ऑलरेडी तैयार है, सिर्फ उसे फ्राई करना है सब्जियों में। तो अब इसमें डाल देंगे हम अपने मसाले, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डालिए। ये मैंने हल्दी डाल दी है, ये डाल दिया मैंने धनिया पाउडर, अभी मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हींग। अगर आप लोग लाल मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। मैंने लाल मिर्च साबुत डाली है, देखिए साबुत लाल मिर्च और करी पत्ता, इन दो चीज़ों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। ये डाल दिए मैंने इसमें शिमला मिर्च। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी सबसे लास्ट में टमाटर। अब इसको हम सब्जियों को 2 मिनट तक चलाएँगे, क्योंकि देखिए सब शिमला मिर्च और टमाटर ये दोनों चीज़ें हमें पकानी नहीं है, इनका मतलब ये क्रिस्पी होनी चाहिए तभी ये पोहे में अच्छी लगती हैं। अगर आपके पास मटर, गाजर और भी सब्जियां हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम सबसे लास्ट में अपना पोहा, और पोहा डालने के बाद हम चलाते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सारे मसाले, नमक सब कुछ हमारे पोहे में अच्छे से बैठ जाए। और उसके बाद हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। इसे पकाना नहीं है अब ज़्यादा टाइम, क्योंकि ये ऑलरेडी तैयार है। सब्जियाँ हमारी पक गई हैं, पोहा भी हमारा तैयार है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जब आप इस तरीके से पोहा बनाएंगे तो पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगा, और बच्चों के पास हमारे बच्चे आजकल सब्जियां नहीं खाते हैं तो उन्हें सब्जियां खिलाने का ये तरीका भी है। अब ये डाल दिया मैंने इसमें मूँगफली का दाना लास्ट में, और अब ये पोहा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए गर्मा गर्म। देखिए मैंने गर्मा गर्म सर्व कर दिया है। ये ब्रेकफास्ट में बहुत ईजी रेसिपी है, तो आप भी ट्राई